हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू अदर न्यू एपिसोड ऑफ पंपिंग सिमुलेटर 2। एंड गेमर्स, फाइनली गेम के डेवलपर्स ने एक और अपडेट रिलीज किया इस गेम का, जिसके अंदर इन्होंने काफ़ी सारी नई चीज़ें अपग्रेड की है। सो अभी ये गेम को मैंने जस्ट अभी अभी अपग्रेड करा है। ये क्या नए कंट्रोल्स आ गए क्या, पता नहीं। और वैसे भी अभी सबसे पहला जो अपडेट है वो ये है कि अभी हम अपने ये वाला जो ऑफिस है वहाँ पे सो सकते हैं, तो अभी यहाँ पे सोने में कोई इशू नहीं आएगा। फिर एक बार बाहर जाके देखता हूँ मैं क्या क्या नई चीज़ें आई है। गेम के ग्राफिक्स थोड़े से अच्छे लग रहे हैं अभी मुझे। आई मीन इन्होंने ग्रास वगैरह ऐड किए क्या? हाँ यार, अभी काफ़ी प्यारा लग रहा है गेम। और वेट, यहाँ पे गाइज एक डॉगी भी है। हेलो, ओ वेट, आई थिंक मैं इसको पेट कर सकता हूँ। भाई ये कितना प्यारा है। फिर कैट वापस आ गए क्या हमारी? मे बी कैट भी फिर यहीं पे होगी। वो गाइज वो रही अपनी म्याओ म्याओ। ओ भाई पता नहीं यार, ये फर्स्ट एपिसोड से कहाँ पे चली गई थी, उसको वैसे भूख लगी है। तो एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले ना अपने कैट को थोड़ा सा गाइज खाना खिला देता हूँ। कैन फिश कहाँ पे पड़ी है? ओके यहाँ पे ये वाली, या ये रही कैन फिश। ये मैंने गाइज हमारी कैट को कैन फिश खिला दिया, इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और अभी ये सो गई वापस से। कितनी प्यारी लग रही है। सो अभी एक बार मैं देख लेता हूँ कौन सी नई चीज़ आई है गेम के अंदर। काफ़ी सारे अपडेट्स है। सो अभी हमको आना पड़ेगा अपने जमैनों में, जोनेमो में अगर हम आते हैं तो। ओ कूलर गाइज, ये कूलर का शेप चेंज हो गया क्या? आई मीन ये तो कूलर ही था ना। ओ आई थिंक ये इसका अलग सा डिज़ाइन है। ओ यार ये वाला फिर काफ़ी बढ़िया लग रहा है। काम करते हैं, ये दो कूलर मैं ऑर्डर कर देता हूँ। अभी नई नई चीज़ आई है, हम सबसे पहले उनको चेकआउट करने वाले। तो मैंने कूलर को ऑर्डर कर दिया है। फिर उसके बाद और क्या नया ऐड हुआ है देखते हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें हम चेकआउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा, इतनी चीज़ें। गुड मॉर्निंग, स्मॉल साइन फ्रेम बेड विद डॉग हाउस। ओ गाइज एक डॉग हाउस भी है, तो ऑर्डर करने वालों में डॉग हाउस को भी गाइज मैंने ऑर्डर कर लिया। फिर ये स्पीड बम्स भी है, तो दो स्पीड बम्स भी ऑर्डर करते हैं, ठीक है। फिर बैटरीज, ओके गाइज अभी हम बैटरीज को भी बेच पाएंगे, ठीक है भाई। अभी तो मेरे को बैटरी ऐड नहीं करनी है, एक बार देखते हैं क्या क्या ऐड हुआ है। फिर उसके बाद नई चीज़ कौन सी आई है? ये तो पहले से ही था। ओ लाइटर फ्लूड, और ये कैन बीन्स, ये भी आई है। लेमन, अभी लेमन किस लिए है? लेमोनेड बनाने के लिए। ओके भाई कितनी सारी चीज़ें ऐड हुई है, आई एम सो एक्साइटेड। फिर यहाँ पे लेमन ट्री, भाई ये लेमन ट्री किसके लिए? लेमन स्क्वीजर भी है। कॉफ़ी टेबल, वाओ, ओ माय गॉड गाइस, बहुत सारी नई चीज़ें आई है। और एक स्टो भी है, नहीं ये तो अपने घर के लिए। एक काम करते हैं, ये लेमन ट्री ऑर्डर कर देता हूँ मैं, दो लेमन ट्री, ठीक है। मैंने अभी काफ़ी सारी नई चीज़ें ऑर्डर की है। और यार इन्होंने गेम के ग्राफिक्स ना थोड़े से डेवलप कर दिए, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं गेम की ग्राफिक्स दिखने में। अभी मैं एक बार काम करता हूँ, अभी आई थिंक अपना ट्रक सामान लेके आता ही होगा। मैंने डॉग हाउस ऑर्डर किया है। कहाँ पे गया डॉग हाउस? अरे आ भी गया। ये कहाँ पे लगेगा वैसे डॉग हाउस? ओ नहीं, दो तीन डॉग हाउस लगा सकता हूँ मैं, बट मुझे भी तो एक ही चाहिए। एक काम करते हैं, ये डॉग हाउस को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। मैंने डॉग हाउस लगा दिया, बट मैं डॉग को टेम कैसे करूँगा? कहाँ पे गया वो डॉगी? क्योंकि यार वो डॉगी ना इंपॉर्टेंट है, अगर चोर वगैरह आएगा ना तो वो आई थिंक उसको पकड़ लेगा। सो इसको टेम कैसे करूँ मैं? अगर मैंने इसको गाइस खाना खिलाया ना तो आई थिंक वो टेम हो जाएगा। सो अभी के लिए इसको भूख नहीं लगी है, जब इसको भूख लगेगी तो मैं इसको खाना खिला दूंगा। और अभी अपना स्टॉकर भैया भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अभी मैंने जो ट्री ऑर्डर करे थे, ये ट्री को मैं कहाँ पर लगा सकता हूँ? ओ गाइज आई थिंक मैं खेती कर सकता हूँ पूरा ट्रीज की। फिर हम ना मतलब लेमोनेड बना के बेचेंगे। ये देखो मैंने ट्री यहाँ पे लगा दिया, भाई ये बहुत सही है। ये गेम के अंदर भाई ये अब तक का बेस्ट अपडेट है। और ये वाले जो ट्रीज है वो वी आर काफ़ी प्रिटी लग रहे हैं, बट इनका यही यूज़ वगैरह है कि नहीं पता नहीं, बट इससे गेम का लुक अभी काफ़ी ज़्यादा प्यारा हो गया। लास्ट एपिसोड में मुझे इसको अपग्रेड करना था, इसको अपग्रेड करके देखिएगा, $900 में अपग्रेड करते, ठीक है। ये बोर्ड को अभी, ये बोर्ड एक और बार अपग्रेड होगा। भाई यार कितने सारे अपग्रेड डाल दिए। एक सेकेंड अभी देखते हैं ये अपडेट के अंदर, फिर हम पंप को भी अपग्रेड कर सकते हैं। या पंप को तो वैसे पहले से हम अपग्रेड कर सकते थे, मे बी अपने वॉशर को, इसको नहीं, ये भी अपग्रेड नहीं होगा। दूसरा ट्री भी गाइज मैं जल्दी से यहाँ पे लगा देता हूँ, तो मैंने दोनों ट्रीज को यहाँ पे लगा दिया है। फिर इसको पानी, वो पानी देने की ज़रूरत है गाइज, यहाँ पे वाटर 0% आ रहा है, तो वाटर देने के लिए आई थिंक मैं इससे दे सकता हूँ वाटर। हाँ हमें इसी से वाटर देने का है, ठीक है गाइज। इसको दुनिया भर का पानी दे देता हूँ मैं, 100% पूरा पानी देना पड़ेगा, तभी जाके ये अपने जो लेमन्स है वो उसका ट्री बड़ा होगा और वहाँ पे काफ़ी सारे लेमन आएंगे लेमोनेड के लिए। मुझे लग रहा है ना गाइज हम लेमन जूस वगैरह बेच सकते हैं, तो क्यों ना मैं अभी लेमन जूस का है वो मैं मतलब वो लेमन स्क्वीज़र मंगा दूँ मैं। गाइज इसको मंगा के देखते हैं। एंड ये जो फिर लेमन्स है, थोड़े से लेमन्स भी ऑर्डर कर देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि हम उसका जूस बना के लोगों को बेच सके। तो मैंने लेमन को भी ऑर्डर कर दिया। एंड थोड़ा सा लेमोनेड है, ये भी आई थिंक अपने शॉप के अंदर हमको बेचना चाहिए, तो मैंने $500 के लेमोनेड ऑर्डर कर दिए। नई चीज़ें आई है उनको ऑर्डर करते हैं। थोड़े से कैन बीन्स,
फिर उसके बाद क्या आया था नया वाला, बैटरीज को भी गाइस ऑर्डर कर ही दो मैं भाई, बैटरी बहुत महंगी है। एक बैटरी लगभग $450 की है, तो मैं सोच रहा हूँ चार बैटरीज मंगाते, चार नहीं यार दो ही मंगाते, अभी पैसे बहुत सारे चाहिए और वैसे भी आज के एपिसोड में मुझे एक गाड़ी बाई करनी है। गाड़ी का वैसे इन्होंने दाम अभी कितना चल रहा है, निसान GT-R, ओ माई गॉड। बट एक सेकेंड, ये बहुत गलत बात है गाइज, अभी लास्ट एपिसोड में तो भाई 21,000 की थी, अभी 31,000 की हो गई, बट इन्होंने नई गाड़ी भी ऐड करी है भाई, दिस इज सो क्रेजी, निसान GT-R। तो आज हम गाइज GT-R बाय करेंगे, अभी मैं इसको रिव्यू कर देता हूँ, बट ये पैसा ही नहीं है उतने, $22,000 में मिलेगी निसान GT-R, ओ माई गॉड आई एम सो एक्साइटेड गाइज। तो ठीक है, आज के एपिसोड में निसान GT-R बाय करते हैं। लेमन का जूस निकालने का किधर है मशीन, यहाँ पे भी नहीं है, ये अपने स्पीड बम्स है, स्पीड बम्स में ओके यहाँ पे लगा सकता हूँ, तो यहाँ पे स्पीड बम्प लगाते हैं। बट यार वो लेमोनेड कदर गया, आई मीन वो लेमन निकालने का, जूस निकालने का मशीन, ये स्पीड बम तो मैंने लगा दिए, इसने यहाँ पे रखा है क्या यार, यहाँ पे भी दिखाई नहीं दे रहा। और वैसे भी ये वाला जो नया कूलर है कहाँ पे गया, ये कूलर को गाइज ये भी ना मैं लगा के देखता हूँ ये कहाँ पे फिट होगा, आई डोंट नो, लगा के देखते भी शॉप के अंदर। मे बी अपने पहले वाले जो कूलर हो ना गाइज, मैं उनको भी आई थिंक बेच सकता हूँ और उनकी जगह पे नए वाले कूलर रहेंगे, बट कोई नहीं, अभी के लिए ये वाला कूलर भी यहाँ पे लगा देते, इसके अंदर हम कोला रख पाएंगे, ठीक है, कोल्ड कॉफ़ी वगैरह लगा देते, और आई थिंक मैं इसको भी फिर अपग्रेड कर पाऊंगा। अरे सिगरेट्स इसके अंदर नहीं रखवानी, गंदा हो गया ये, थोड़े से मेरे पास और बच्चे, ये फुल हो गया आई थिंक, इसको गाइज हम अपग्रेड कर सकते, $750 में अपग्रेड होगा। हाँ ओके, मतलब सबसे पहले छोटा कूलर आएगा और फिर ये उसका मतलब बड़ा, ओके समझ गया मैं, तो पहले हम मतलब पहले हमारे पास एकदम बड़ा सा कूलर आता था, अभी उन्होंने उस कूलर में भी अपग्रेड कर दिया है, वेरी नाइस, मुझे लगा कुछ अलग सिस्टम है, बट ठीक है। बट मुझे भी ये देखना है अपना वो मशीन किधर गया, जूस निकालने का, बैटरी यार आई थिंक वो मैंने ऑर्डर ही किया नहीं का ठीक से, क्या बकवास है, कोई नहीं गाइज वापस से मैं इसको यहाँ से ऑर्डर कर लेता हूँ। $380 का मैंने वापस से एक और लेमन स्क्वीज़र ऑर्डर कर दिया है, और अभी जो ये बैटरीज वगैरह मिली थी, ये बैटरीज़ कहाँ पे, ओह बैटरीज में से ऊपर लगा सकते हो, किसके लिए, आई थिंक बेचने के लिए, आई डोंट नो, वेट ये आई थिंक चार्ज होने के लिए, ओके सोलर पैनल्स को चार्ज करने के लिए गाइज, एक सेकेंड यहाँ से ऊपर जाके देखते हैं, ये बैटरी गाइज यहाँ पे लगेगी आई थिंक, फिर इसको हम चार्ज कर पाएंगे, नॉट इनफ इलेक्ट्रिसिटी एक्युमुलेटेड, मतलब ओके हो रहा है धीरे धीरे, ये बैटरी चार्ज हो रहा है, ये आ गया लेमन स्क्वीजर, बट ये भी लेमन स्क्वीजर कहाँ पे लगाऊंगा मैं, इसको सबसे पहले बाहर निकालना पड़ेगा, ओके आ गया बाहर, कहाँ पे लगाऊं मैं इसको, यू नीड लेमन, ओह आई थिंक मुझे कैसे इसको टेबल के ऊपर रखना पड़ेगा क्या, एक काम करते हैं फिर ये लेमन स्क्वीजर को गाइस अभी के लिए मैं यहाँ पे रखवा देता हूँ, नहीं यहाँ पे नहीं, अपना जो चार्जिंग स्टेशन है ना उसके इसी के पास हम लेमन जूस बेचेंगे, ठीक है। मुझे ये चीज़ ट्राई करनी है, तो एक काम करते हैं मैं गाइस टेबल भी ऑर्डर कर ही देता हूँ अभी के लिए, लेट मी सी कॉफ़ी टेबल, कौन सा टेबल ऑर्डर करें, बट ये टेबल तो यहाँ पे फिट तो होगा ना, आई डोंट नो, अपना कंप्यूटर टेबल ही ऑर्डर करते हैं। और ये चोर आ गया, गधा कहीं का चोर आ गया, ये क्या चोरी करके लेके जा रहा है, इसने कुछ वैसे उठाया नहीं है, बट निकल गधे की के यार, एक काम करते हैं यार उस डॉग को ना मैं टेम ही कर लेता हूँ, बट यार कितनी सारी चीज़ें करने को, मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले ये लेमन कहाँ पे, लेमन मैंने ऑर्डर करे थे आई थिंक, ओके ये रहे अपने लेमन, अभी लेमन को यहाँ से निकाल के देखते हैं कि लेमन का जूस कैसे निकलेगा, अभी तो मेरे पास टेबल नहीं है, जब आएगा तब देखा जाएगा। यह आ गया एक लेमन, F टू ऐड और E टू स्क्वीज, ओके चार लेमन चाहिए मुझे, ओके अभी मैं एक एक लेमन को इसके अंदर रखवा देता हूँ, लेट्स सी ये जूस कैसे बनता है, ओके ये आखिरी लेमन आ गया, रख दिया, तो मैंने चार लेमन अब इसके अंदर रख दिए एंड अभी जूस निकलेगा, ओके मेक अ लेमोनेड, ओके मैं अभी समझ गया, मतलब इससे वो पैकेट बनेगा, तो ये जो गाइस लेमोनेड का पैकेट है हम खुद ही बनाएंगे और खुद ही बेचेंगे, मतलब सेल्फ, अरे एक सेकेंड, अरे मेरी लेमोनेड के ऊपर गाड़ी चला रहा है, इसका मतलब हम खुद ही प्रोड्यूस करेंगे, हम खुद प्रोडक्ट बनाएंगे और इस प्रोडक्ट को फिर हमें मतलब इसके अंदर मैं रखवा सकता हूँ, इसके अंदर या इसके अंदर लेमोनेड भी जाएगा, तो ठीक है गाइज अभी मैं समझ गया। और ये टेबल आ चुका है, तो टेबल को एक काम करते हैं, ये टेबल हम लेमोनेड बनाने के लिए मैं यहीं पर लगाने वाला हूँ, ठीक है इधर ही लगाते, ये मैंने यहाँ पर टेबल लगा दिया और अपना जो लेमन चूसने का है, आई मीन लेमन निकालने का जूस, वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। क्या अपने वर्कर से वाला काम करेंगे क्या, आई डोंट नो। और ये लेमन का भी बॉक्स मैं यहीं पे लगा देता हूँ, ठीक है अभी के लिए, क्योंकि जब भी मुझे लेमोनेड बनाना होगा हम अपने हिसाब से लेमोनेड बनाएंगे, तो ये एक और लेमन मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। जो मैंने पेड़ लगाया था वो बड़ा हो गया क्या, आई थिंक हो गया होगा,
कम ऑन अभी तक तो 41% इसकी ग्रोथ हुई है और ये वाले ट्री की 40%, तो जब 100% ग्रोथ हो जाएगी आई थिंक फिर इसका ना ट्री बड़ा हो जाएगा। और जो अपना डॉग है इसको भूख लगी है क्या? अरे यार तेरे को भूख कब लगेगी, मेरे को तेरे को टेम करना है यार, हमेशा इधर चोर घूमता रहता है। और जो अपनी बिल्ली है वो भी ठीक है, इसको भी भूख नहीं लगी है, बट एटलीस्ट अभी मुझे अच्छा लग रहा है अपने पास अभी दो पेट्स है। ओ गाइस अभी एक नया टैब आ गया है यहाँ पे स्टॉक करके, मतलब हमारे पास कौन सी चीज़ का कितना स्टॉक पड़ा है इसका पूरा इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ से मिल जाएगा। टॉयलेट के कितने प्रोडक्ट्स है और अदर्स कूलर सिक्योरिटी कैमराज हमने कितने ऑर्डर करे, वो सारी चीज़ों का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रहा है। एंड देखते देखते गेमर्स मेरे पास वापस से $26,000 आ चुके हैं। सो अभी मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम GTR को बाय करें, $22,000 में मिलेगी। इसको मैं रिव्यू रिक्वेस्ट कर दिया, ठीक है अभी एक बार मैं देखता हूँ मैप में GTR कहाँ पे मार्क हुई है। ओके शोरूम के अंदर ही हमको मिलेगी GTR। सो अभी यहाँ से सीधा चलते अपने डीलरशिप के लिए, क्योंकि सेकेंड या थर्ड एपिसोड से मैं आपको बोल रहा हूँ मैं गाड़ी बाय करने वाला हूँ, बट मैंने अभी तक बाय नहीं की है। सो दैट्स वाई चाहे लोन लेना पड़े हम गाड़ी बाय करेंगे। ये हम लोग आ चुके हैं गाइस शोरूम में एंड लेट्स गो देखते हैं अपनी GTR। भाई ये रही GTR, वैसे मेरे को फरारी बाय करनी थी बट GTR भी सही है, ठीक है गाइस $22,000 खर्चे करने पड़ेंगे, बहुत सारे पैसे है। हम चाहे लोन भी लेंगे बट GTR को बाय करेंगे गाइस, बाय करते ठीक है, सपनों की गाड़ी है। एंड यस बाय कर ली गाइस, 1,00,000 बनता है GTR के लिए, बस खाली मेरे पास $4,000 ही बचे और अब इसको सीधा चला के देखते हैं। परफॉर्मेंस बढ़िया होनी चाहिए, एक सेकेंड एकदम प्यार से गाड़ी चलाइयो, वैसे भी इस गेम में दुनिया भर का चालान कटता है। प्यार से पहली GTR है, नई GTR। वाओ गाइस जस्ट लुक एट द कार, क्या ही बढ़िया लग रही है। वेट एक सेकेंड, मैंने फर्स्ट टाइम अपने प्लेयर को देखा है, भैया टकला है क्या? देखो अंदर से कितना अजीब लग रहा है, आंखें लाल है, कितना डेंजरस डरावना लग रहा है, बट ठीक है हमने GTR को बाय कर लिया। अभी सिग्नल यहाँ पे लगाए तो मैं इसको, एक सेकेंड सिग्नल रुक गया, सिग्नल्स को फॉलो करना चाहिए, एक सेकेंड एक काम करता हूँ। वेट मैप में मैं अपना शॉप मार्क कर देता हूँ, या ये अपना शॉप है मैंने मार्क कर दिया एंड अभी जल्दी से अपनी GTR लेके निकल लेते हैं। आई थिंक सामने से ही जाना है एक, अभी देखो इसका फुल स्पीड कितना है, काफ़ी तेज़ है, एक सेकेंड स्लो चला नहीं तो चालान कट जाएगा। पता नहीं इस गेम में इन्होंने चालान क्यों रखा है, एक तो मैं गाड़ी तेज़ भगा ही नहीं पा रहा उसकी वजह से, ठीक है आई थिंक अभी तेज़ में चला सकता हूँ। इधर से राइट लेके अपना शॉप आ जाता है एंड 120 130, आ नहीं गेम लैग हो रहा है, बट ठीक है गाइज काफ़ी तेज़ दौड़ रही है अपनी GTR। ये लोग अपनी GTR लेके हम लोग अपने शॉप पे वापस आ चुके हैं, डोंट वरी मेरे पास वापस से $7,000 आ गए, क्योंकि हमारा बिजनेस अभी काफ़ी अच्छे तरीके से रन हो रहा है। और मैं GTR को, ये ओ सॉरी 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 मैडम जी मैं भी GTR को यहाँ पे गाइस पार्क कर देता हूँ, यहाँ पे अपने अपने ऑफिस के सामने पार्क करते, ठीक है ऑफिस के सामने बढ़िया लगेगी। तो ये मैंने GTR को यहाँ पे पार्क कर दिया जस्ट लाइक दिस, यस अभी अच्छा लग रहा है गाइस। फाइनली अभी अपने पास एक नई सुपरकार आ चुकी है, 1,00,000 बनता है अपने प्यारी सी GTR के लिए। एंड देखते ही देखते अभी गाइस काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, अभी मैं देखता हूँ इस डॉग को भूख लगी है क्या, अभी तेरे को भूख लिटिल हंग्री, इसको भी भूख लगी है तो आई थिंक इसको भी मैं टेम कर सकता हूँ। एंड प्लांट 77% ग्रो हो गया, आई थिंक कल सुबह तक ना गाइज ये 100% ग्रो हो जाएगा। अभी मैं डॉग को, एक सेकंड डॉग को खाना क्या खिलाऊँ मैं, ये जल्दी टेम हो गया ना भाई अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इसको सैंडविच और फिश चलेगी, ठीक है तेरे लिए मैं सैंडविच लेके आता हूँ जल्दी से ताकि वो अपना पैड बन जाए, फिर चोर जब आएगा अपना डॉग उसकी बैंड बजा देगा। सैंडविच ये रहा सैंडविच, ओके एक सैंडविच मैंने यहाँ से निकाल लिया और अभी ये सैंडविच खिलाने के बाद डॉग अपना टेम हो जाएगा। और उसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डॉग हाउस भी बना रखा है, सो ये ले भाई ई टू फीड, यस लेट्स गो हो गया टेम। इसको नाम क्या दिया अभी, इसको हम बुलाएंगे डोगिया, डोगिया नामकरण हो चुका है, हैप्पी बर्थडे लिख दो अपने डोगिया के लिए, आज से अपना ये पेट होगा। भाई कितना प्यारा भूख रहा है। और अपनी कैट देखो, अभी अपने पास दोनों पेट्स हैं, दोनों पेट्स के लिए मैंने यहाँ पे घर बना रखे हैं, बस मेरे को एक चीज़ देखनी है कि क्या ये जो वर्कर्स है वो अपने ये वाले ऑफिस के अंदर सोएंगे, अगर यार ये यहाँ पे सोएंगे ना तो यार बहुत बढ़िया हो जाएगा, बट अभी मैं यहाँ पे खुद भी सो सकता हूँ, वैसे अभी अंधेरा पूरा हुआ नहीं है, जब पूरा अंधेरा होगा आज मैं तब सोऊंगा, क्योंकि मेरे को अभी थोड़ा देर और काम करना है। और वापस से देखते देखते मेरे पास $10,000 वापस आ गए, तो मैं सोच रहा हूँ ना थोड़ी सी मैं लाइट्स वगैरह ऑर्डर कर दूँ अपने गैस स्टेशन के लिए, क्योंकि यार गैस स्टेशन पे ना काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। ये जो लैंप है, ये वाले लैंप में गाइस अभी कुछ ऑर्डर करने वाला हूँ, क्योंकि देखो अंधेरे में बिल्कुल यू नो भूत बंगले जैसा लगता है, वैसे अपना ये घर पूरा भूत बंगला है, तो मैं जोनेमो में जाके कुछ लाइट्स को ऑर्डर करने वाला हूँ, मैं स्ट्रीट लाइट, तो $3,000 में गाइस 10 स्ट्रीट लाइट्स आ जाएंगी,
मैंने इनको ऑर्डर कर दिया, काफ़ी महंगा था ये, मुझे करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अभी मेरे पास खाली $3,000 ही बचे, बट इट्स इंपॉर्टेंट। मैंने स्ट्रीट लाइट्स को ऑर्डर कर दिया है और वापस से ये अंदर काफ़ी हो गया है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना जो मैंने स्ट्रीट लाइट ऑर्डर करी है उनको एक बार मैं लगा दूंगा, एंड फिर उसके बाद मुझे अपने आज घर पर भी जाना पड़ेगा यार, क्योंकि मेरी वाइफ हमेशा मुझसे नाराज़ रहती है, तो उसको खुश करने के लिए मुझे अपने घर पर जाना ही पड़ेगा। अभी मैं अपना जो गराज है इसको बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि ये शोर अगर आ गया तो प्रॉब्लम होगा, बट वैसे वो अंदर में आएगा नहीं। ये गेमर्स अपनी यहाँ पे सारी के सारी स्ट्रीट लैंप्स आ चुके हैं, तो अभी मैं जल्दी से एक एक करके स्ट्रीट लैंप्स को लगा रहता हूँ। यार एक एक लगाने में ना काफ़ी टाइम लगेगा, बट लगाना तो पड़ेगा। सबसे पहले अपना जो चार्जिंग स्टेशन है ना उसी के आसपास लगाते हैं। ये आ गया दूसरा लैंप, अभी मेरे को दो यहाँ पे और लगाने पड़ेंगे एंड बाकी के उस तरफ लगेंगे। आई थिंक मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डर कर दिए क्या, पता नहीं, अगर एक्स्ट्रा होंगे तो बाद में मैं उसको भेज दूंगा, ठीक है। यार हाँ यार एक्स्ट्रा ऑर्डर कर दिए, इतने की आई थिंक ज़रूरत नहीं थी, अभी मेरे को पांच और चाहिए। आई थिंक 3-4 मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डर कर दिए, बट इट्स ऑल राइट, ये यहाँ पे आ गया और अभी आखिरी के चार लगाने, उतने लगा देता हूँ, फिर उसके बाद हम अपने घर पे जाएंगे। ये आखिरी वाली स्ट्रीट लाइट भी गेमर्स मैंने यहाँ पे अबे यार लगा दी, ठीक है। तो जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हो सकती थी मैंने अपने गैस स्टेशन पे लगा दी है। अभी बस आई थिंक थोड़े से सीलिंग लैंप्स लगाने कुछ बाकी रह गए, बट अभी मैं उनको बाद में लगाऊंगा। अभी मैं सोच रहा हूँ अभी मैं अपने घर के लिए निकल लेता हूँ, और मैं अभी इस बार ना अपने घर पे मैं अपनी गाड़ी लेकर जाने वाला, अपने GTR में, ऑफिस में तो नहीं सोने वाला। और अपना जो डॉगो है वो देखा अभी आई थिंक सोने की कोशिश कर रहा है, या डेफिनेटली सोने की कोशिश कर रहा है, बट अभी यहाँ से निकल लेते हैं अपने घर के लिए, गाड़ी लेकर जाने वाला हूँ मैं। लेट्स गो, गाड़ी के अंदर हम लोग बैठ गए। मैप के अंदर अपना घर मार्क कर देता हूँ मैं, घर कहाँ पे मेरा, आई थिंक यहाँ पे। यार एक सेकेंड गाइस, घर काफ़ी दूर है, बट ठीक है, स्टिल नई गाड़ी बाइक ही है तो भाई बनता है फर्स्ट टाइम घर पे जाना गाड़ी लेके, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान से गाड़ी चलाइयो, सिग्नल कटता है तो बहुत सारा चालान भी कटता है इस गेम में। ओके अभी इधर से भाई ये तो काफ़ी स्ट्रेट, भाई कितना स्ट्रेट रोड है, चढ़ पाएगी ना GTR? ओके चढ़ पाएगी, इसके अंदर फ्यूल भी पूरा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ तो डर तो लगता ही है। अबे कितना दूर है मेरा घर, बहुत ज़्यादा दूर है, आई थिंक आ गया, आ गया, आ गया गाइज, आ गया। यस फर्स्ट टाइम गाइज अपनी खुद की नई गाड़ी लेके मैं आ गया। मम्मी को मुझे गाड़ी दिखानी, माँ माँ तेरे बेटे ने एक गाड़ी ले ली है माँ। भाई मैंने ऐसा चोर जैसा मास्क क्यों लगा रखा है पता नहीं क्यों। ठीक है गाइज, बट अभी अपनी GTR घर पर आ चुकी है, कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। अभी जल्दी से मैं माँ को खुशखबरी सुनाता हूँ। माँ माँ मेंटल माँ, मैं तेरे लिए GTR लेके आ गया। मेरी बीवी किधर है उसको भी दिखा देता हूँ। हाय हनी, हाउ आर यू, कैसी है? तेरे को GTR देखनी है, काश ये GTR को देख पाती, तुमको क्या ही पता होगा कार्स के बारे में, गधे कहीं के। अभी मैं GTR को लेके गाइज वापस से अपने ऑफिस के लिए निकल लेता हूँ, आई मीन अपने गैस स्टेशन के लिए। अभी मैं वापस से अपने गैस स्टेशन को मुझे मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि यार गैस स्टेशन का सीरियसली काफ़ी अजीब सा रोड है। वैसे मैं बीच बीच में से भी वैसे जा सकता हूँ पत्थरों वाले रोड यूज़ करके, बट खतरनाक है वो, ऐसे नॉर्मल रोड का यूज़ करते हैं। अगर पत्थरों वाले रोड से मैं आ गया तो नहीं नहीं GTR टूट जाएगी। या न्यू बिल अराइव्ड सिग्नल, आई थिंक मैंने सिग्नल में भी तोड़ दिया है, दुनिया भर के सिग्नल तो तोड़ देता हूँ तो वही बिल भी आता है। देखा मैं जैसे उधर से निकलता हूँ ये हरा हो जाता है, आई मीन रेड हो जाता है। कोई नहीं, अभी एटलीस्ट मैं घर पे तो गाड़ी लेके चला गया, एंड ये गेमर्स हम लोग आ चुके हैं अपने गैस स्टेशन पे। लोगों की मैंने गाड़ी ठोक दी, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। एकदम अभी प्यार से GTR को मैं पार कर देता हूँ अपने ऑफिस के सामने। ओके यहाँ पे यहाँ पे रिवर्स रिवर्स, ओके परफेक्ट। ये गाइज GTR को मैंने पार कर दिया, जस्ट लुक एट दिस, क्या ही प्यारी लग रही है अपनी GTR। एंड अभी वापस मैं अपने काम पे ध्यान देता हूँ। अब एक बार मैं देखता हूँ अपना बिजनेस कैसा रन हो रहा है, मतलब अभी प्रॉफिट वैसे कितना चल रहा है। स्टॉक अभी मुझे बस चेक करना है, स्टॉक तो भाई काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट ये फिर आई थिंक स्टॉक हर चीज़ें स्टॉक नहीं कर रहा क्या? अरे यार ठीक है फिर, ये गाइज मैं ही चीज़ें यहाँ पे रखवा देता हूँ। नहीं आई थिंक चीज़ें ही नहीं है, नहीं है, नूडल्स अभी यहाँ पे मतलब खुद से ही रखवाने पड़ेंगे। कोई नहीं, मैं अभी खुद से ही गाइज यहाँ पे चीज़ें रखवा देता हूँ। अपना जो बाकी के बंदे हैं वो तो काम कर रहे हैं। ये वाला शेल फुल हो गया, जितने भी अभी खाली शेल्स है उन सारे शेल्स को भी गाइज मैं जल्दी से फिल कर देता हूँ, क्योंकि अपने पास सामान तो है लेकिन हम उनको स्टॉक नहीं कर रहे, तो दैट्स वाई ये यहाँ पे लगवाते। फिर मैंने कुछ लेमोनेड ऑर्डर करे थे, इनको भी रखवा देते। और ये वाला तो भाई पूरा ही शेल खाली हो गया था, इसके अंदर हम पूरा लेमोनेड रखेंगे। और वैसे भी मुझे ये भी देखना है जो मैंने वो ट्री लगाए थे वो बड़े हो गए क्या, आई थिंक बड़े हो गए होंगे। और ये लाइटर फ्लूड है इसको भी मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है परफेक्ट। अभी सबसे पहले गाइज मैं देख लेता हूँ वो ट्री बड़ा हो गया क्या, आई थिंक हो गया होगा। प्लीज़ लेमन्स मिलेंगे मुझे इससे, अरे वाटर
मैंने इसको गाइस वाटर कम दिया था। अबे यार ये वर्कर्स नहीं देते क्या इसको वाटर? बट ठीक है अभी मैं ही दे देता हूँ इसको, ये पानी इसको कम मिला था दैट्स वाई बड़ा ही नहीं हुआ। बट कोई नहीं, मैंने वापस पानी दे दिया और ये वाले इसको भी पौधे को भी पानी दे देते हैं। ग्रोसरी प्राइजेस 3% डिस्काउंट। वेट, मैंने इसको पानी तो दे दिया बट अभी ग्रोसरी प्राइस पे गाइस 3% डिस्काउंट है, तो मुझे लग रहा है ना गाइस मुझे भी फिर एक्स्ट्रा ग्रोसरी ऑर्डर करके रखनी चाहिए। हाँ गाइस 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 आई थिंक वो आइडिया बेटर रहेगा। देखा 3% डिस्काउंट है, सारी चीज़ें सस्ती होगी। थैंक यू सो मच गाइस, अभी मैं काफ़ी सारा फिर स्टॉक करने वाला हूँ। कैन फिश ऑर्डर करते हैं $600 की, फिर मैं यहाँ से कैन टोमेटो भी ऑर्डर करूँगा। अभी पूरा मतलब यू नो सस्ता मिल रहा है तो हम ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर करेंगे। ओके फिर चिप्स है, इनको भी ऑर्डर करवाते हैं। वेट अपना डॉग को भूख रहा है, चोर आ गया क्या? हाँ आई थिंक गाइज डॉग या भूख रहा है, गाइज चोर आ गया। अबे आने से पहले इसने इसको नोटिस भी कर लिया। अबे तेरे को कौन बचाएगा बे चोरटे कहीं के। नाउ लेट्स सी अपना डॉगो क्या करता है। ओ काट नहीं नहीं ओके काट लिया थिंक उसने उसको। अबे छोड़ दे उसको, आई थिंक गाइस काट लिया उसने, ठीक है शाबाश शाबाश बेटे। बट अच्छी बात है डॉगों ने मतलब यू नो चोर को पकड़ लिया। बट अभी मुझे डिस्काउंट में चीज़ें मिल रही है दैट्स व्हाई मैं काफ़ी सारी चीज़ें अभी ऑर्डर करने वाला हूँ। देखा वो ट्रक सामान लेके आ भी गया और अभी मुझे थोड़ी सी और चीज़ें ऑर्डर करनी है। सोडा के भी कैंस ऑर्डर करते हैं, ठीक है $200 के ऑर्डर कर दिए। फिर हम एनर्जी ड्रिंक ऑर्डर करेंगे, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बिकती है। फिर उसके बाद कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं मे बी $200 की, ठीक है ये भी ऑर्डर कर दिया मैंने। फिर मोटर ऑयल ये भी ऑर्डर करते हैं, $1000 का मोटर ऑयल हो गया। फिर बियर ये भी बिकती है काफ़ी ज़्यादा, $300 की आ गई। फिर ये जेला कैन जो भी है इसको भी ऑर्डर कर लिया। फिर डिटर्जेंट इसको भी ऑर्डर करते हैं, डिस्काउंट में चीज़ें मिल रही है तो आई थिंक इतना ही ठीक है। और थोड़ा सा ये लेमोनेड या ये लाइटर फ्लूड जो भी है इसको ऑर्डर करते हैं। सो गाइज मेरे पास लगभग जितने भी पैसे थे मैंने सारे पैसे स्पेंड कर दिए ग्रोसरीज के ऊपर एंड अभी हम एक्स्ट्रा ग्रोसरी स्टोर कर पाएंगे। वैसे जगह तो है ना रखने के लिए, आई थिंक जगह है। अपना रायन किधर गया? अभी वो स्टॉकर किधर गया? हाँ जगह गाइज बहुत सारी जगह है यू नो, अभी मतलब लगभग 4-5 शेल्स खा लिए। और अपना देखो अभी कितने सारे बॉक्सेस आएंगे, बहुत सारे आएंगे। ओके अरे ज़्यादा नहीं आए आई थिंक। ओके ये मल्टीपल ऑफ, भाई मल्टीपल ऑफ देखो कितना 120 मतलब ये एक ही मल्टीपल में आ गया, ठीक है। तो एक काम कर देता हूँ मैं ही अभी ये बॉक्सेस को रखा देता हूँ, नहीं अपनी वर्कर आगे रखवाने के लिए, ठीक है नो प्रॉब्लम। और ये अपना रायन भी यहीं पे काम कर रहा है। और एक काम कर देता हूँ मैं, फिर अपना जो बियर है वो मैं यहाँ पे वेंडिंग मशीन के अंदर ऐड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी यू नो होना चाहिए सामान। मतलब फिर खामखा भाई मैंने यहाँ पे वेंडिंग मशीन क्यों लगा रखी है, तो यहाँ पे मैं इसके अंदर पूरा स्टोर कर देता हूँ। ओके भाई पूरा खाली हो गया। फिर उसके बाद मेरे पास कुछ एनर्जी ड्रिंक थे, 60 मैंने मंगवाए थे, 70-80 उनको भी यहाँ पे लगा देते हैं। चारों की चारों गाइज वेंडिंग मशीन अपनी खाली हुई थी, तो अपने जो वर्कर्स है भाई पता नहीं क्या ही काम करते हैं। मैंने खुद ही उनको फिल कर दिया। ये बॉक्स को यहाँ पे मैं वापस रखवा देता हूँ और वापस से मेरे पास $2000 आ गए, मतलब $2000। और अभी ये जितने भी पैसे आ रहे हैं उतने पैसे को तो अपना फ्यूल ही हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं। और अभी मैं काम कर देता हूँ, मैंने जितने भी चीज़ें ऑर्डर करी थी उनको स्टॉक भी कर देता हूँ मैं। ये इसके अंदर हम चिप्स रखेंगे, देखो कितना मतलब बियर तो लगभग मेरे पास 322 बॉटल्स है और बाकी की तो बॉटल्स मैंने यू नो वेंडिंग मशीन के अंदर रखवा दी। इसके अंदर हम लोग चिप्स रखवाएंगे, फुल हो गया ये। फिर कौन सा शेल खा लिए? अभी सारे शेल फुल हो गए आई थिंक यहाँ पे। इसके अंदर हम मोटर ऑयल रखवाएंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है ना मुझे एक और डबल शेल गाइस ऑर्डर करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक अभी एक और डबल शेल मैं अपने शॉप के अंदर लगा सकता हूँ मे बी यहाँ पे ये वाला। हाँ गाइज एक काम करते हैं, एक डबल शेल्फ भी मैं ऑर्डर कर ही देता हूँ। सो ये आते अपने ज़ोनेमो में, डबल शेल चाहिए होगा हमको। हाँ ये वाला डबल शेल एक ही चाहिए मुझे, ठीक है। मैंने एक और डबल शेल फिर ऑर्डर कर दिया तो फिर अपना फिर 100% अपना फिर पूरा शॉप फुल हो जाएगा। एंड अभी एक बार मैं देखता हूँ जो मैंने गाइज बैटरी ऊपर लगवाई थी ना वो कितना परसेंट चार्ज होगी, उसका क्या सीन है, क्योंकि वो अभी तक मैंने देखा नहीं है। मतलब मे बी वो पूरी चार्ज हो गई होगी, और वैसे भी वहाँ पे मैं काफ़ी सारे बैटरीज लगा सकता हूँ। मैं इस इलेक्ट्रिक को यहाँ से सेल कर सकता हूँ $5 में, सेल करते हैं। ओके सेल हो गई। अरे भाई मतलब ये हम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे बैटरी में स्टोर करके बेच पाएंगे, ओके बहुत बढ़िया सीन है ये। मुझे सबसे पहले लगा कि भाई मैं बैटरी में ना लोगों को बेच सकता हूँ, फिर मेरे पास आई थिंक एक और बैटरी मेरे पास पड़ी है। दूसरी बैटरी को भी गेमर्स में फिर वहीं पे लगा देता हूँ। मतलब $5 में अगर 10 बैटरीज है तो भाई फिर भी $50 हमको इजीली मिल जाएंगे, आई मीन ऐसे ही फिर बिजली बेच के। और आई थिंक इसके अंदर में भी और भी फिर बिजली स्टोर होगी, मे भी मैं बैटरी को भी अपग्रेड कर सकता हूँ।
इसको सबसे पहले लगा के मैं देखता हूँ, आई थिंक अब इसको अपग्रेड कर सकते हैं. गुड मॉर्निंग, होगा अपग्रेड, हो जा भाई अपग्रेड. वेट, अभी देखा ये कितनी फास्ट चार्ज हो रही है, और ये भी अभी चार्ज हो रही है. ओ सबसे पहले आई थिंक ये फुल चार्ज होगा, एंड देन गाइस देखो यहाँ पे अभी $1.82. बट यार इसको अपग्रेड करने का ऑप्शन होना चाहिए था, फिर मैं भी यहाँ पे ये बड़ा सा बैटरी हो जाता. बट ठीक है, अभी एटलीस्ट हम इलेक्ट्रिसिटी तो बेच सकते हैं. $2 के आगे मैंने बेच दी, इधर भी लगभग 60 सेंट हो गया, इसको भी बेच दिया मैंने. सो ठीक है गाइज, अभी मैं इलेक्ट्रिसिटी को भी बेच सकता हूँ. अपना जो लेमन का ट्री है वो बड़ा हो गया, और ये जो लेमोनेड है इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ. मैंने अभी के लिए इसको मैं उठा के लेके आ गया. अभी ग्रोथ रेट 20% है. ओके, इसका अभी मतलब हर बार इसको पानी देते रहना पड़ेगा क्या? मुझे लगा 100% हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली लेमन्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं है. इसको सबसे पहले हमको बड़ा करना पड़ेगा. जब इसकी ग्रोथ 100% हो जाएगी वो एक बड़ा सा ट्री बनेगा, और फिर देन उसके बाद लेमन लगेगा उसके ऊपर. ठीक है, कोई बात नहीं. तो मुझे इनको ना हर बार यहाँ पे टाइम टू टाइम पानी देते रहना पड़ेगा. अगर पानी इनको कम होएगा तो ये फिर बढ़ेगा नहीं. गेम के अंदर इन्होंने एक और चीज़ नहीं ऐड करी है, पिकनिक टेबल नाम की. तो मैंने अभी यहाँ पे 2-3 पिकनिक टेबल भी ऑर्डर करे थे. कहाँ पे गया वो? ये वाला पिकनिक टेबल. तो एक काम करते हैं, आई थिंक वो आ चुके होंगे. तो मैं इन पिकनिक टेबल्स को भी लगा के देखता हूँ कहाँ पे लगेंगे ये. कहाँ पे पिकनिक टेबल? ये आ गया कहाँ पे? ओह, जहाँ पे हम ट्रीज लगाएंगे आई थिंक वहाँ पे ये पिकनिक टेबल हम लगा सकते हैं. ओके, फिर आई थिंक यहाँ पे लोग ना पिकनिक मनाएंगे मे बी. तो ये मैंने पहला पिकनिक टेबल लगा दिया भाई. सही है, अभी लोग आई थिंक वहाँ पे यहाँ पे अपने शॉप से चीज़ें खरीदेंगे और पिकनिक मनाएंगे गैस स्टेशन पे. गैस स्टेशन पे ही आप लोग पिकनिक मना सकते हो. तो कोई नहीं, फिर मैं जल्दी से सारे टेबल वहाँ पे लगा देता हूँ. मैंने एक तो लगा दिया, तो टोटल हम वहाँ पे 6 टेबल लगा सकते हैं. ओके, तो दूसरा वाला लगा देते हैं. बस मुझे चेक करना है यहाँ पे ये कैसा सीन होता है. आओ भाई कोई पिकनिक मनाने आना है किसी को. एंड फाइनली गाइज ट्री बड़ा हो गया, लेट्स गो. कम ऑन भाई, मेरे को लेमोनेट दो. ग्रोथ रेट ओके, ये स्टेप बाय स्टेप गाइस ग्रो होता है. अभी इसका 100% देखा, वापस से इसका ग्रोथ हो रहा है, 1% हो गया. मे बी काफ़ी बड़ा ट्री होगा, फिर इससे हमको लेमोनेड ही लेमोनेड मिलेंगे. तो मुझे लग रहा है ना मुझे यहाँ पे पूरी इसकी खेती बना के रखनी चाहिए. मे बी नेक्स्ट एपिसोड में ना मैं यहाँ पे काफ़ी सारे लेमोनेड के ट्रीज लगा दूंगा. फिर ना हम इसकी खेती करेंगे और अपने हिसाब से हम खुद ही लेमोनेड बनाएंगे और उसको बेचेंगे. ये वाला ट्री भी वैसे अभी बढ़ रहा है. और जो मैंने पिकनिक टेबल जो मैंने लगाया था गाइस, वहाँ पे लोग आके बैठ गए. इसके पैसे मिलेंगे क्या मुझे? हेलो, पैसे दे भाई, खामा का कहा है बेटा. ये एक और पिकनिक टेबल मैंने यहाँ पे लगा दिया. सो अभी मैंने टोटल 3 पिकनिक टेबल लगा दिए, और यहाँ पे अलग अलग लोग आके बैठ रहे. काश ये लोग यहाँ पे खाना वगैरह भी खाते अपने, यू नो, गैस स्टेशन से लेके. पता नहीं, बट वो भी होएगा. एक और गाइस कस्टमर आई है, वो भी आके यहाँ पे बैठ गई. सो अभी हमने पिकनिक टेबल्स लगा दिए, लोग अभी आके पिकनिक मनाएंगे. अपना यहाँ पे ये लेमोनेड का ट्री भी बड़ा हो रहा है. नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पे बहुत सारे लेमन्स लग जाएंगे, हम उनको बेचेंगे और बहुत सारा पैसा मिलेगा. सो आई थिंक आज के एपिसोड के लिए इतना इनफ था. आज हमने GTR बाय करी, ये ट्रीज लगाए हमने, फिर ये अपना लेमोनेड का जो स्क्वीजर मशीन है हमने इसको भी लगाया है. सो नेक्स्ट एपिसोड में हम खुद के लेमन्स बना के बेचेंगे, उसका खुद का प्रोडक्शन शुरू करेंगे. एंड जस्ट लुक एट दिस, कितने सारे लोग अभी आके यहाँ पे आके बैठ रहे हैं. और मुझे नेक्स्ट एपिसोड में कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ है या कुछ ट्रिक्स है इस गेम की, मुझे कमेंट्स में बता दो. मैं इनको अप्लाई करने की कोशिश करूंगा. एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड. बाय गेमर्स.